दिल दर्द का मारा है ये किसने। बड़े भोले भाले हैं दिल लेने वाले, बड़े भोले भाले न क्यों जले न क्यों परवाना, जले न क्यों परवाना। दिल को लगा के हमने कुछ भी न पाया। दोस्तों, हिंदी सिनेमा का इतिहास काफ़ी पुराना है। ऐसे ही गुजरे ज़माने के अभिनेता और अभिनेत्रियों के बारे में आज की युवा पीढ़ी काफ़ी कम जानती है। आज मैं आपको 40 के दशक की एक ऐसी अदाकारा के बारे में बताऊंगी जो बेहद खूबसूरत थी। उन्हें एक बार कोई देख लेता था तो उनके चेहरे से नजरें हटाना मुश्किल हो जाता था। ओ, सोए हुए मन में खुशी की लहर आई, खुशी की लहर आई। कहा जाता है कि वो स्कूल में पढ़ने के लिए पालकी से जाया करती थी। वो इतनी सुंदर थी कि उन्हें पर्दे में ही रखा जाता था। जी हाँ, मैं जिस खूबसूरत हसीना की बात कर रही हूँ वो थी नसीम बानो। फिर मेरे दिल में जागा मोहब्बत का गम। दिग्गज अभिनेत्री सायरा बानो की माँ और अभिनेता दिलीप कुमार की सास। इनका जन्म 11 अप्रैल 1916 को हुआ था। 1930 के दशक के माध्यम में अपने अभिनय करियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने 1950 के दशक के मध्य तक अभिनय करना जारी रखा। उठे मन में तो रहा नहीं जाए। उनकी पहली फिल्म सोहराब मोदी के साथ खून का खून थी, जो 1935 में आई थी, जिसके बाद मिनर्वा मूवीटॉन बैनर के तहत उन्होंने कई सालों तक अभिनय किया। उनका चरम बिंदु मोदी की फिल्म पुकार आई, जिसमें उन्होंने महारानी नूरजहां की भूमिका निभाई थी। संगीतकार नौशाद साहब के अनुसार उन्हें परी चेहरा नसीम बानो की उपाधि उनकी फिल्मों के प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से मिली। नसीम बानो का जन्म रोशन आरा बेगम के रूप में पुरानी दिल्ली, भारत में कलाकारों और मनोरंजनकर्ताओं के एक समुदाय में हुआ था। उनकी माँ चमियाबाई, जिन्हें शमशाद बेगम के नाम से भी जाना जाता है, वो उन दिनों की एक प्रसिद्ध और अच्छी कमाई करने वाली गायिका थी। नसीम बानो ने क्वीन मेरी हाई स्कूल दिल्ली से पढ़ाई की। नसीम बानो के फिल्मों में आने की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। प्यार की बातें ये सफर भूल न जाना, दिल छीन के जा। एक बार नसीम बानो अपने स्कूल की छुट्टियों में अपनी माँ के साथ फिल्म सिल्वर किंग की शूटिंग देखने गई और इसे देखकर ही उन्होंने फैसला किया कि वो भी एक्ट्रेस बनेंगी। स्टूडियो में नसीम बानो की सुंदरता देखकर उन्हें फिल्मों में काम करने का ऑफर भी मिल गया था, लेकिन उनकी माँ ने बच्ची कहकर इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया। नसीम बानो तो ठान ही चुकी थी कि उन्हें अब अभिनेत्री ही बनना है। अब वो अगले ऑफर के इंतज़ार में थी कि इसी दौरान फिल्म निर्माता सोहराब मोदी ने अपनी फिल्म खून का खून के लिए बतौर अभिनेत्री नसीम बानो को काम करने के लिए प्रस्ताव दिया। लेकिन इस बार भी नसीम बानो की माँ बीच में आ गई और उन्होंने फिल्म निर्देशक को साफ साफ इनकार कर दिया। नसीम बानो का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और वो ज़िद पर अड़ गईं कि अब तो वो फिल्मों में काम करके ही रहेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी बात मनवाने के लिए नसीम बानो भूख हड़ताल पर बैठ गईं। आखिरकार उनकी माँ को बेटी की ज़िद पूरी करनी पड़ी और उन्होंने सोहराब मोदी को हाँ कर दी। फिर क्या था, नसीम बानो ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। मिल गई जाने किसकी नजर से। सिर्फ सोहराब मोदी के साथ नसीम बानो ने कई फिल्में की। इन फिल्मों में तलाक, मीठा जहर, बसंती और भी कई शामिल हैं। लेकिन फिल्म पुकार में नूरजहां का किरदार निभाकर नसीम बानो मशहूर हो गई। फिल्म की तैयारी के लिए वो हर दिन घुड़सवारी करती थीं और गाना सीखती थीं। फिल्म को पूरा होने में एक साल से अधिक समय लगा और इसने नसीम बानो को शानदार तरीके से प्रसिद्धि दिला दी। उनका एक गाना जिंदगी का साज भी क्या साज है दर्शकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुआ। कोई ना हुआ है।
प्रचार में उनकी सुंदरता के आधार पर उन्हें ब्यूटी क्वीन और परी चेहरा नाम दिया गया, जो उनकी बेटी सारा बानो के पास जाने से पहले सालों तक कायम रहा। क्लासिक पुकार के बाद एक अभिनेत्री के रूप में नसीम बानो की मांग बढ़ गई और कई फिल्म स्टूडियो ने उनके साथ अभिनय करने के लिए उनसे संपर्क किया, लेकिन सोहराब मोदी ने उन्हें उनके अनुबंध से मुक्त करने से इनकार कर दिया। इससे दोनों के बीच कुछ बेचैनी पैदा हो गई। मिनर्वा द्वारा निर्मित फिल्म शीश महल में उन्होंने मेकअप और आभूषणों के बिना केवल साधारण साड़ियों में अपनी अभिनय प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मिनर्वा मूवी टोन से नसीम बानो सड़कों और फिल्मिस्तान स्टूडियो में चली गईं, जहां उन्होंने अशोक कुमार के साथ चल चल रे नौजवान में प्रदर्शन किया। अब तक एहसान से विवाहित पति पत्नी की टीम ने ताजमहल पिक्चर्स की शुरुआत की और 1942 में उजाला, 1945 में बेगम, 1947 में मुलाकात, 1949 में चांदनी रात और 1942 में ही अजीब लड़की जैसी कई फिल्में बनाई। घर का बैनर अंतिम दो का निर्देशन भी उनके पति मोहम्मद एहसान ने किया था। हालांकि उन्होंने कुछ एक्शन और फंतासी फिल्में जैसे सिंदबाद जहाजी, 1953 की बागी, जिसमें उन्हें दर्शकों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, उन्होंने मिनर्वा की नौ शेरवान ए दिल जो 1957 में आई थी, इसमें उन्होंने एक छोटी सी भूमिका निभाई और फिर अभिनय छोड़ दिया। जब सायरा बानो ने 1961 की जंगली के साथ फिल्मों में प्रवेश किया तो वो लगातार सक्रिय रहीं, पहले एक निर्माता के रूप में और फिर अपनी बेटी की ड्रेस डिज़ाइनर के रूप में अपना हाथ आजमाया। उन्होंने उस समय के अधिकांश शीर्ष सितारों जैसे सोहराब मोदी, चंद्रमोहन, पृथ्वीराज कपूर, त्रिलोक कपूर, अशोक कुमार, श्याम सुरेंद्र, नवीन याग्निक, प्रेम अदीप और रहमान के साथ सह अभिनय किया। 1951 में आई फिल्म शबिस्तान की शूटिंग के दौरान प्रसिद्ध अभिनेता श्याम घोड़े से गिर गए और उनकी डेथ हो गई। बता दें कि वो फिल्म 1970 की 1970 की पूरब और पश्चिम के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनरों में से एक थी। नसीम बानो ने अपने बचपन के दोस्त आर्किटेक्ट मियां एहसान उल हक से शादी की, जिनके साथ उन्होंने ताजमहल पिक्चर्स बैनर की शुरुआत की थी। विभाजन के बाद नसीम बानो के पति भारत छोड़कर पाकिस्तान में बसने का विकल्प चुना। नसीम बानो अपने बच्चों के साथ भारत ही रुक गईं। उनके पति एहसान ने अपनी फिल्मों की नकारात्मकता को पाकिस्तान में रिलीज़ करने वाली फिल्मों के रूप में लिया। नसीम बानो इंग्लैंड चली गईं और कुछ समय तक वो वहीं रहीं और उनके दोनों बच्चे कुछ समय तक वहाँ पढ़ाई करते रहे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार नसीम बानो ने दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी में मदद की थी। 44 साल के दिलीप कुमार और 22 साल की सायरा बानो की शादी करवाई। दरअसल हुआ यूं था कि सायरा बानो अभिनेता राजेंद्र कुमार के साथ फिल्में कर रही थी और इसी दौरान उनका दिल राजेंद्र कुमार पर आ गया। जबकि राजेंद्र कुमार 3 बच्चों वाले शादीशुदा थे, मां नसीम बानो को जब ये बात पता चली तो उन्हें अपनी बेटी की नादानी पर काफ़ी गुस्सा आया। नसीम बानो ने दिलीप कुमार की मदद ली और उनसे कहा कि सायरा बानो को समझा दें ताकि राजेंद्र कुमार से पीछा छूटे। दिलीप कुमार ने ये काम किया, लेकिन वो सायरा बानो के बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं थे और शादी का तो दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था। और फिर सायरा बानो की शादी दिलीप कुमार से हो गई। फिल्म अजीब सी लड़की नसीम बानो की आखिरी फिल्म थी। 18 जून 2002 को नसीम बानो ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मुकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।